कुछ दिनों के लिए बंद कर सेकेंडरी पे कुछ हमारे क्रिएट हो रहे हैं रिकॉर्ड,
फिर हम प्राइमरी आप करते हैं तो ये एप्लीकेशन उसके ऊपर भी आ जाएगी। मेरी बात सुन रहे जिसका वैसे कॉन्सेप्ट समझिएगा तो उस पर चले जाएंगे। ये हम देख रहे हैं सेकेंडरी में ओपन कर रहा हूँ, देखिए जरा सेकेंडरी में क्या कर सकते हैं और क्या नहीं और किस तरह उस पर जाएंगे और नहीं जाएंगे। अच्छा जी, अब इसमें देखें राइट क्लिक करें, ठीक है राइट क्लिक करें तो इसमें देखें ये आपको इसमें टैब डिफरेंट नजर आता है, इसमें ए रेकॉर्ड सीन है कोई नई चीज नजर आ रही है? ये ओनली फॉर रीडेबल है। अच्छा ये रीड ओनली है, रीड ओनली रीडेबल है। और दूसरी ये मुफ्ताज रहेगा हमेशा अपने प्राइमरी में, प्राइमरी जिंदा है तो ये चलेगा, प्राइमरी मर गया तो ये भी गया। ये कब तक रहेगा? ये अगर प्राइमरी आपका क्रैश कर देता है सेकेंडरी इतनी हद जरूर कर सकते हैं कि जितने उसके पास डाटा बेस था उतने डाटा बेस की ऑथेंटिकेशन करवा देगा। नहीं है ऑथेंटिकेशन इसके अंदर पॉसिबल। सर प्राइमरी अगर डाउनलोड है तो इसको बहुत चेंज करके इसको भी प्राइमरी बना सकते हैं। हां इसको प्राइमरी बना सकते हैं, इसको आप इज ये लो, इसको मैं अभी बनाना चाहता हूं प्राइमरी बना दे। अच्छा ठीक है, ये कितना आ जाएगा इधर ठीक है इसको प्राइमरी। सर अगर एप्लीकेशन रुकी हुई है सपोजली हमें नहीं पता कब से रुकी हुई है, लेटेस्ट मतलब लास्ट लेट से भी पहले की आपस में एप्लीकेशन चल रही थी और प्राइमरी डाउन हो गया और जो सेकेंडरी को हम प्राइमरी बनाएंगे तो वो एक दिन पहले वाली जब तक एप्लीकेशन चल रही थी वहाँ तक जो कन्फिगरेशन था ले देखिए उसमें क्या होता है, इसमें जो रेप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट है ना, जो एसओ है मैंने आपको दिखाया ना एसओ रेकॉर्ड, उसके नीचे पूरा उसके टाइम ड्यूरेशन मेंशन होती है, ठीक है आपने जो टाइम ड्यूरेशन उसमें नहीं है बाय डिफॉल्ट उसके अंदर 50 मिनट्स होते हैं, 50 मिनट बाद वो जो है उसको हुक्म एक जारी किया जाता है कि हर हाल में तुमने दूसरे अपने सेकेंडरी को डेटाबेस देनी, ठीक है उससे मतलब ये है कि अगर आपने 50 मिनट्स पर रखा हुआ इट मीन्स ये समझने का अगर आपका प्राइमरी डाउन हो ठीक है तो इट मीन्स कि प्राइमरी अभी डाउन हो तो आप ये समझ लें 15 मिनट पहले से इसको डेटाबेस दी, ठीक है तो 15 मिनट पहले ऑलरेडी उसके पास रिकॉर्ड्स अवेलेबल हो।